खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में गायक जुबिन नौटियाल पर छेड़खानी का आरोप लगा है। आरोप लगाने वाली युवती के मुताबिक जुबिन ने उससे छेड़छाड़ के साथ मारपीट भी की है। इसके अलावा उसके दोस्त के साथ भी मारपीट की गई है। वहीं जुबिन ने भी युवती पर कार में तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। इस मामले में दोनों एक दूसरे के खिलाफ बसंत विहार थाने में तहरीर दे चुके हैं। रास्ते में गम मिल गया था, लग के गले में रो दिया। हजारों युवाओं के दिलों की धड़कन बन चुके बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल पर देहरादून के एक बिजनेसमैन ने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया है। बिजनेसमैन और उसकी महिला मित्र की ओर से कार्रवाई के लिए बसंत विहार पुलिस में तहरीर दे दी गई है। दरअसल जुबिन नौटियाल के जन्मदिन पर गुरुवार को GMS रोड स्थित ओरा रेस्टोरेंट में पार्टी आयोजित की गई थी, जिसमें उनके परिवार और परिचित लोग शामिल हुए। सुभाष नगर निवासी बिजनेसमैन का आरोप है कि इस दौरान वो भी ओरा रेस्टोरेंट में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी में शामिल होने आए थे। पार्टी के दौरान गर्लफ्रेंड को अकेला छोड़कर वो कुछ वक्त के लिए ड्रिंक्स लेने चले गए। चंद मिनटों बाद लौटे तो देखा कि उनकी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ लोग गलत व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने इसका विरोध किया तो वहां मौजूद लोग आक्रामक हो गए और भीड़ शुरू कर दी। इसमें गायक जुबिन नौटियाल भी शामिल थे, जबकि महिला मित्र का आरोप है कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई। ये क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे? यू लिसन टू मी, यू टेल मी, व्हाट डिड यू डू द लास्ट नाइट? मैंने आपको कब गाली दी? ये हटाइए यहाँ से। हम यहाँ पे बैठे थे, इस टेबल पे कोई नहीं था। यहाँ से कम नहीं तो 10 से 15 लड़के आए, जिन्होंने मेरे ऊपर अटैक करा। पहले मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ा, हमने ऑब्जेक्ट करा तो 10 से 15 लड़के आके यहाँ से हम पे अटैक करा, और जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगनी चाहिए। यहाँ पे चोटे है, यहाँ पे मारा है, बोतल से मारा है, हुक्के से मारा है। इसके बाद दोनों ने बसंत विहार पुलिस को पूरे प्रकरण से अवगत कराया, लेकिन पुलिस ने उनके मामले को गंभीरता से नहीं लिया। वही शुक्रवार को रेस्टोरेंट में एक बार फिर उन्हें समझौते के लिए बुलाया गया, जहां जुबिन के पक्ष से 30 से 35 लोग मौजूद थे। यहां भी उनके साथ धमकी भरे लहजे में बात की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस दौरान वहां क्या हुआ इसकी जानकारी के लिए रेस्टोरेंट के CCTV फुटेज को भी निकालने के साथ पार्टी में आए मेहमानों की लिस्ट मांगी गई है। कल रात एक होटल में व्यक्तिगत पार्टी चल रही थी, जो सिंगर हैं जुबिन नौटियाल, उनका बर्थडे पार्टी था और उसमें उनके पारिवारिक लोग मित्र पार्टी का मतलब वहां पर आयोजन कर रहे थे। इसमें इस बीच एक महिला और एक पुरुष वहां पर जाते हैं, जिनको बुलाया भी नहीं गया था, और वो वहां पर रुकते हैं और काफ़ी देर वहां रहे, और उसके बाद उन्होंने वहां पर कुछ झगड़ा वगैरह किया और फिर उन्होंने ये आरोप लगाया कि इन्होंने हमारे साथ मारपीट की। तो इसकी अभी जांच चल रही है, दोनों पक्षों की तरफ से थाने में जो है रिपोर्ट दी गई है और इसमें थानाधिकारी जांच कर रहे हैं। वही जुबिन नौटियाल ने इस पूरे प्रकरण को पब्लिसिटी स्टंट बताया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को मैं नहीं जानता, पार्टी की शुरुआत में इन लोगों ने मेरे साथ फोटो भी खिंचवाई, लेकिन जब निजी सुरक्षा कर्मियों ने उनसे पूछा कि वो किसके साथ पार्टी में आए तो इस पर वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें चले जाने के लिए कहा, इसके बाद वो गाली गलौज करने लगे। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों ने बलपूर्वक उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। आपको लगता है कि मैं किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करूंगा? मैं वहां पर अपनी परिवार के साथ हूँ, मेरे बर्थडे पार्टी की वीडियोस देखेंगे तो मेरे 2 साल का छोटा भांजा है मेरी गोद में, मेरी बहनें हैं, मेरी भांजियाँ हैं, मेरी भतीजियाँ हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरा परिवार है वहाँ पे। उनका मुझ पर आरोप है कि मैंने उनके साथ छेड़छाड़ करी अपनी फैमिली पार्टी में, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है और इसको भी मैं प्रूव करूंगा बहुत जल्दी। एक तरफ जहां जुबिन खुद को निर्दोष बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिजनेसमैन खुद के आरोपों को सच बता रहा है। ऐसे में किसकी बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।